गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। चलो ओके। सो लास्ट टाइम जो मैंने व्हाइट बोर्ड छोड़ा था वैसा का वैसे रखा है मैंने। वी वर डूइंग मोमेंट ऑफ फोर्स। मैंने इतना बताया था, मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स to produce motion of rotation is called moment of force. कितना एबल है रोटेट कराने के लिए बॉडी को, जो फोर्स कितना एबल है रोटेट कराने के लिए उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। एनीबॉडी कैन टेल मी, कंटिन्यू मैं वहीं से कर रहा हूं, कि विच आर दोज टू फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपके अंदर है ना जनरेट करता हूँ आइडिया। ये सपोज डोर है, ये हिंजेस है और ये डोर है, और समझो हमको इस साइड खोलना है, अंदर खोलना है, तो फोर्स, ये एबिलिटी ऑफ दिस फोर्स टू प्रोड्यूस मोशन ऑफ रोटेशन, अल्टीमेटली रोटेट कराना पड़ेगा डोर को। तो कोई मुझे बताएगा विच टू फैक्टर्स आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट? एनीबडी? चलो एक मिनट, कोई जीरो फोर्स लगाएगा, फोर्स ही नहीं लगाएगा उसको, समझो विल इट ओपन? कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा तो विल इट ओपन ऑन इट्स ओन? यस नो? बोलो ना ऐसा यार, प्लीज बोलो। बिल्कुल नहीं खुलेगा। ऑलराइट, अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 50, तो किसमें एकदम इजीली खुलेगा? इजीली खुलने का चांस क्या रहेगा? सो 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एबिलिटी ऑफ दिस फोर्स टू प्रोड्यूस द मोशन, डिपेंड्स ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स, किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ फोर्स, इसको स्टाइल में बोलते हैं, चलो क्या बोलते हैं, एम से बोलते हैं उसको, बताओ क्या है? सर मैग्नीट्यूड। दैट्स लवली आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स उतना इजी रोटेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट मस्ट बी दैट? सो द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड where the force is applied, the line of action. Wow, uska maine naam diya hai. What is that name which I have given last time before just completing this? Us word ko kya bolte hai? Ek hi word hai uska, jo perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation, the momentum. The momentum, right. It depends on momentum. You know, suppose aap force kitna bhi laga, generally hum log na common sense se force yahan pe lagate hain. तभी यहाँ पे लगाते हुए फोर्स देखे कि 500 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ पे, विल इट ओपन? क्या दरवाजा खुलेगा? क्या दरवाजा खुलेगा इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन द हिंजेस ओनली? नो सर। मोमेंट ऑफ फोर्स विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। नंबर वन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, एंड नंबर टू मोमेंटम, डिस्टेंस उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उतना इजिली दरवाजा खुलेगा। तो यू राइट डाउन दिस टू, ये यहाँ पे ये दो लिखो। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ आया? बोलो प्यारे बच्चों। ओके, नाउ ऐसा लिखो, डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ लिखा। Anybody can tell me what must be definition? मैंने खाली ये दिखाया है, ये सिंबल दिखाया है। Anybody can tell me on its own? जीतू क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? ये क्या है, ये क्रॉस? मैंने क्रॉस यानी क्या जीतू? जीतू क्रॉस मतलब क्या? माज हुसैन, हुसैन दागिना क्या? प्रोडक्ट। भैया बोलो ना यार, तुम बोलो अपना, प्लीज डोंट वेट फॉर इनविटेशन, बोलना चालू रखो तुम लोग। कोई बोलेगा ना प्लस तो भी चलेगा, मेरे को बोलना चाहिए बस। प्रोडक्ट ऑफ विच टू क्वांटिटीज, विच टू क्वांटिटीज, मोमेंटम, बस खत्म।
So write down moment of a force. Moment of a force about a given axis of rotation. Moment of a force about a given axis of rotation is defined as the product of magnitude of the force and the moment arm. So basically, moment of force is nothing but force into momentum. Anybody can tell me, body can rotate in how many ways? Body can rotate in how many ways? 4 ways, 6 ways, 10 ways, or infinite number of waves? Ways. Anybody? Infinite number of. Okay. Or koi? Dusra answer. Vidhi. Infinite. What about Afif? Afif sir, dikh nahi raha mere ko. Okay, Bhargesh. Yes, sir. Bhargesh. Yeah, kitne ways mein rotate? Infinite. That's very bad answer. Chalo, abhi main bata dunga. I don't feel bad about my bad answer. Bolta matlab aisa nahi ki tumne galti kar di kuch. Never thinking that way. But I always like the attempt made by you. Suppose ek force maine aise apply kiya. एक फोर्स मैंने ऐसे अप्लाई किया, अब मुझे बताओ ये डोर कहां को जाएगा? ऊपर को जाएगा कि नीचे को? ऊपर की ओर रोटेट होगा या नीचे की ओर? ऊपर की ओर. ऊपर की ओर. तो डू यू सी रोटेशन इज लाइक दिस. रोटेशन इज लाइक दिस क्यू. और यहां पे रोटेशन इज लाइक दिस क्यू. तो देयर आर ओनली टू पॉसिबल वेज ऑफ रोटेशन. हु कैन टेल मी दैट नाउ? तो बोलो. Only two waves or infinite number of waves? Only two waves. Which? So clockwise and anti-clockwise. That is right. Body can rotate only clock or anti-clockwise. Rotation. The moment of force is also either it is clockwise moment or anti-clockwise moment. Bus. I hope it is clear. So here, suppose F is this and R is this. R is this, F is this. So here, we both same moment of force. A or B mein. Moment of force A and B, moment of force equal to F into R. In A, it is anti-clockwise. And B, where it is clockwise. Khali do hi rotation possible hai, toh moment can become zero. Agar ye force main yahi pe apply kar do, third mein, suppose. ये फोर्स में यहां पे अप्लाई कर दू तो आर विल बी जीरो. देयरफॉर मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो. सी में बिकॉज आर इज जीरो. दोनों क्वांटिटी का होना जरूरी है. फोर्स भी होना चाहिए, आर भी होना चाहिए, तो ही मोमेंट ऑफ फोर्स होगा. और मोमेंट ऑफ फोर्स दो तरीके से होगा, आइदर क्लॉक और एंटी क्लॉक. I hope it is clear. Bolo. Yes, sir. Okay. So ye ho gaya.
Afif, you joined late, Afif? No, sir, I had first joined, but the Wi-Fi, the connection was slow, so I rejoined again. अरे मैं बोला जियो का ले ले बेटा. Why you are not listening to me? No, sir, I'm not in town. You are not in town. Okay. ठीक है. So tell me, is this clear? सभी लोगों को आगे बढ़ू मैं? Okay. ये हो गया moment of force. Force into perpendicular distance. ये बहुत important concept है. बहुत problem वगैरह करेंगे बाद में हम लोग moment of force के ऊपर. And very, very important concept if you are doing engineering later on in the life. Moment of force बहुत काम की चीज है. Okay. अब हम करते हैं. Basically, you define couple. Define couple. डायग्राम बना लो साथ में. यहाँ पे आपको कपल, एक मिनट बताओ, इंग्लिश में कपल यानी कितने लोग? कपल कपल यानी पांच या टू. सिंपल, कपल इज टू एंड दे आर सेम और अपोजिट वाले. कपल किसको बोलते हैं? दो सेम और अपोजिट. अरे कपल में जनरली मेल फीमेल ऐसा होता है तब कपल बोलते हैं. मेल मेल को कपल थोड़ी बोलते हैं. अपोजिट और सेम. सर अपोजिट. हाँ तो ये एकदम बोलना यार. ओके सो कैन यू सी टू फोर्सेस. देयर आर थ्री पॉइंट्स आई एम गोइंग टू राइट. Which three points you can pick up from this diagram? Which three points you can pick up? Two forces to likh diya maine, two forces. Who can pick up the three points? So chalo, equal. Equal? Equal what? Equal. Last time you said that word only. Equal? So equal and opposite forces. But what equal, beta? अरे विधि, तुमने लास्ट टाइम जो बोला था वही वर्ड यूज कर. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. इक्वल डिस्टेंस. सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. अरे विधि, तुमने अभी बोला था ना, ये अगर 10 न्यूटन तो ये भी 10, ये 25 न्यूटन तो ये 25, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इक्वल इन, इक्वल ऐसा मत लिखना, तुम लोग पूरा EQUAL लिखना. इक्वल इन मैग्नीट्यूड. और एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे है, मतलब क्या? Opposite in direction. Opposite in. Hey, number three क्या आएगा? What you can see number three. Number three क्या आएगा? तुम्हारे observation strong रखो बच्चे लोग, please. Number three क्या आएगा? Number three. चलो मैं बताता हूँ. एक ऐसा और एक ऐसा है क्या? या एक ऐसा, एक ऐसा है क्या? एक ऐसा है क्या? But there is something different. ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों parallel. Parallel. Form a couple. Form a couple. फिर टाइटल लिखो मोमेंट ऑफ अ कपल. Between two forces.
अगली रिकॉपी कर लो। Magneto, one of the force, perpendicular distance between the two forces. Couple are also of two types, clockwise couple. And anti-clockwise couple. Anti-clockwise, and this is F into R clockwise. हाँ ये हो गया बच्चों बच्चों इज दिस क्लियर? कॉपी किया है इतना? कॉपी किया? यस सर। ओके देन लिखो एग्जांपल्स ऑफ कपल, एग्जांपल्स ऑफ कपल। यू नो हमारी डेली लाइफ में हम लोग कपल अप्लाई करते रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता कि हम लोग कपल अप्लाई कर रहे हैं। यू ओनली नो पहला कपल। हाँ एक बात ध्यान रखना, जब भी कपल अप्लाई करते तो बॉडी मूव होती कि खाली रोटेट होती है अपनी जगह पे? रोटेट, सिर्फ सिर्फ रोटेट होती है, वो ध्यान रखना। अभी ना मैं बताता हूँ सबसे पहला कपल आपकी जिंदगी में हम लोग कब अप्लाई करते हैं। सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार और ये स्टीयरिंग व्हील है एंड सपोज यू वांट टू टेक राइट टर्न, व्हाट डू यू डू? यू नो राइट टर्न के टाइम पे इधर नीचे अप्लाई करते हो, इधर ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। कैन यू सी दिस इज एफ एफ एंड दिस इज आर। ऐसा आप क्लॉकवाइज कपल अप्लाई करते हैं तो बॉडी राइट की ओर डायरेक्शन जाती है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल व्हेन वी अप्लाई कपल। कभी भी कपल अप्लाई करने से बॉडी सिर्फ रोटेट होती है। कभी ऐसा देखा आपने स्टीयरिंग व्हील ऐसे आपने घुमाया और बाजू वाले के पास चला गया स्टीयरिंग व्हील? वैसा नहीं होता, कभी भी उधर ही रोटेट करता है। आई होप दैट इज क्लियर। नंबर टू, जब हम ताला खोलते हैं, यू नो ताला खोलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लॉक। तो सपोज हम लोगों को चाबी फिरानी रहती है तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना जब हम लोग ओपन और क्लोज लॉक करते हैं, तो वी अप्लाई कपल ऑन द की के ऊपर हम लोग कपल अप्लाई करते हैं।
के ऊपर क्या करते हैं, कपल अप्लाई तो की रोटेट होती है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर ओपनिंग। सिमिलरली जब हम लोग वॉश बेसिन में ये एनीबडी नोज व्हाट वी डू, ये सपोज यहाँ पे नल है और यहाँ से पानी निकल रहा है, टेल मी हाउ व्हाट वी अप्लाई, अगेन वी अप्लाई कपल यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते, अभी दो उंगली ऐसे करके रखते हैं नीचे एक ऊपर क्यों, और फिर हम लोग ओपन करते हैं क्लोज करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील पे on the key of the lock while opening and closing the lock, and number three, ये क्या है, ये क्या बताओ, opening and closing of the tap, opening and closing of the tap, I hope that's clear। कभी भी कपल अप्लाई करते टाइम याद रखना बॉडी मूव नहीं करती, अपनी जगह पे रोटेट करती है, और कपल के टाइम में हम लोग दो फोर्स अप्लाई करते हैं थोड़े डिस्टेंस पे, दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे नहीं रहते, थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं। I hope that's clear. Bolo, bolo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Write down example. Number one, likho. A person driving a car, comma, when he wants to turn, comma, he applies a couple at the steering wheel, then number two, to open or close a lock, we apply couple on the key. On the key. Then number three, opening and closing of the tap. Phir likho properties of couple. Ek property chhod ke baki teen property pick up karni hogi. Anybody can tell me the first property which you already know? Bolo kya hai? Maine do teen bar bhula bhi abhi. Who can tell me that property? Properties of couple. Kaun kahega? Sir, they don't move. Yes, they don't move. That is right. They don't translate. Move ko hai na thoda sa aisa chalu bada lagta hai. तो स्टाइल में बोलना है तो दे डू नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन, दे प्रोड्यूस ओनली रोटेशनल मोशन। सर्कुलर भी चलेगा बट बेटर टू से रोटेशनल मोशन। तो वेरी नंबर वन प्रॉपर्टी लिखो, कपल कैनॉट प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशनल मोशन। But it produces motion of pure rotation. Okay. Suppose मुझे कपल को बैलेंस करना है, सुनो ध्यान से, ये कपल को मुझे बैलेंस करना है, नलीफाई करना है, ये एफ ए और ये आर, और मुझे इस कपल को बैलेंस करना है, तो क्या एक फोर्स कहां पे अप्लाई करूं कि बैलेंस हो जाएगा, कहां पे अप्लाई करूं,
Who can tell me how to balance this couple? I want to nullify. Body जो rotate कर रहा है दोनों force मिलके उसको immediately stop कराना है. What should I do? What should I do? So apply force in on opposite sides. Opposite side यानी नीचे या ऊपर? कहाँ पे apply करूँ? उसको टोटली रेस्ट पे लाना है बॉडी को. क्या करूं कैसे करूं? एनीबडी हु कैन टेल मी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू हिंट. अ कपल कैन नॉट बी ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ सिंगल फोर्स. एक फोर्स अप्लाई करने से कपल रेस्ट पे नहीं आएगा. कपल का इफेक्ट जीरो नहीं होने वाला. देयर हैव टू बी टू फोर्सेस. मैं आपको समझाता हूँ. पहले इस फोर्स को खत्म करो. कैसे करोगे खत्म? इसके अप्लाई अपोजिट फोर्स. फिर इस फोर्स को खत्म करो तो कैसे करोगे? अप्लाई अपोजिट फोर्स. ऑलराइट, इसका अपोजिट ऊपर, ये अपवर्ड है तो इसका डाउनवर्ड. टेल मी नाउ यू नो दिस कपल विल बी बैलेंस्ड. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट आई हैव अप्लाइड फाइनली? व्हाट आई हैव अप्लाइड? इसको क्या बोलते हैं? इसको नो नो नो. What I have applied? Two forces parallel to each other. What I have applied? What I have applied? Couple. A couple can be balanced only by an equal and opposite couple. बस खाली ये है इस property का. Couple को अगर balance करना है तो कुछ नहीं, उसको एक opposite couple ही apply करना पड़ेगा. तो लिखो. You can write. A couple can be balanced. A couple can be balanced only by an equal and opposite couple. Only by an equal and opposite couple. Property number 3 directly likho. Main samjhata hu aapko baad mein. Property number 3 likho. The moment of a couple about any point in its plane is a constant. ये मैं आपको समझाता हूँ. द मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन इज अ कॉन्स्टेंट. मतलब मोमेंट ऑफ कपल है ना, ऑलवेज विल रिमेन कॉन्स्टेंट इक्वल टू एफ इनटू आर, व्हाटएवर इट मे बी. चाहे यहाँ पॉइंट लो, कहीं भी लो, कहीं भी ये रिवर्स में लो, मोमेंट ऑफ कपल विल नॉट चेंज, एफ आर ही होगा. अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ. व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स अल्टीमेटली एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू अ कपल? कितना फोर्स एक्ट कर रहा है अल्टीमेटली बॉडी पे? कितना फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे? कपल अप्लाई किया तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? टोटल कितना फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर? एनीबडी बोलो ना बच्चे लोग प्लीज. यस सारे बच्चों, एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स. No. अरे एक बात बताऊं, कभी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी ना, मूव करती है बॉडी, मूव करती है. बट यहाँ पे बॉडी का मोशन नहीं होता है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, क्योंकि एक माइनस एफ एक प्लस एफ इक्वल टू जीरो. देयरफॉर बॉडी इज नॉट मूविंग. नहीं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? व्हेनेवर देयर इज अनबैलेंस फोर्स बॉडी मूव. देयर इज नो अनबैलेंस, देयर इज अ बैलेंस फोर्स. इसलिए बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव. तो यहां पे डायरेक्टली लिख दो, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू अ कपल इज जीरो. ड्यू टू अ कपल इज जीरो. ओके, इसके बाद क्वेश्चन लिखो. यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ, सो यूनिट्स ऑफ
moment of force or moment of turbine. मैंने हाँ मोमेंट ऑफ कपल लिखा है ना, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ओ बच्चों लिखा है कि नहीं, मोमेंट ऑफ कपल लिखा है कि नहीं? यस सर। हाँ ओके, मोमेंट ऑफ कपल। ऐसा यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, व्हाट विल दैट बी, सर न्यूटन मीटर। दैट्स राइट, एंड व्हाट अबाउट दिस सीजीएस यूनिट, सर डाइन सेंटीमीटर। दैट्स राइट, तुम इतना सोच सोच के इतना टाइम लेके पॉज लेके बोलते हो ना कि आदमी तब तक सो जाए। एक्चुअली डेरिवेशन अगला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई है ना, शो दैट मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, उसका प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, एक क्वेश्चन लिखो, शो दैट, ये जरूरत नहीं है छोड़ दें क्या इसको, नहीं ये कर लेते चलो जाने दो, शो दैट मोमेंट ऑफ अ कपल, शो दैट मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन इज अ कॉन्स्टेंट, इज अ कॉन्स्टेंट, और एक डायग्राम बनाओ, मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस फॉर्मिंग कपल इक्वल टू M1 plus M2. Moment, huh? Remember, anti-clockwise moment will take positive and clockwise moment will take negative. Anti-clockwise moment हम लोग positive लेंगे और clockwise moment negative लेंगे। मैं diagram में एक बार explain कर देता हूँ क्या है ये, and then we'll start understanding and बाद में तुम लोग copy मारना। और next time जब lecture होगा ना तो textbook लेके बैठना, मेरे को कुछ textbook में से कुछ बातें बतानी है, so that अपना time बच जाएगा। ओके ये देखो, अंडरस्टैंड, देखो ये एक बॉडी है, उसके ऊपर पॉइंट ए पॉइंट बी के ऊपर एक, ये डाउनवर्ड फोर्स है एक अपवर्ड फोर्स है,
distance is AB, that means it's a couple. So we have to prove that moment of couple always remains constant. One of the force multiplied by distance by zero. That is F into AB. F into BA bolo, AB bolo, kuch bhi bolo. We'll prove that it remains F into AB by either if it is point P, B or C. Chahe koi bhi point ho. It remains F into AB. One of the force multiplied by what? Single word. Vidhi, Afif, Maz, Hussein, Bhargesh, any one of you? Om, Prisha. Moment arm, yaar. Chalo, okay. Now, suppose point, maine kya kara, anti-clockwise moment jo hai na, that I'm taking positive. And clockwise moments, I'm taking negative. Ab pata chalega, what is anti-clockwise and clockwise? Pehle point P pe, pehle is force ka moment about point P, or phir is force ka moment about point P. So tell me, ye agar point hai, toh ye force F hi jayega. What is the force? Force is F. Hame usa force toh F hi rehne wala hai. And tell me, what is the distance of the point P from F, F into AP? Ye clockwise hai ki anti-clockwise hai, F into AP? F into AP clock or anti-clock? Bolo jaldi. Anti-clockwise. Anti-clockwise, so we'll write positive. What about F into BP? Here force hai F, or iska distance from P is BP. Clock or anti-clock? Sir, anti-clock. ये भी एंटी क्लॉक तो विल राइट प्लस ये भी एंटी क्लॉक है ये भी एंटी क्लॉक है तो कैन आई टेक एफ कॉमन तो इट विल बी एपी प्लस बीपी एंड दैट इज इक्वल टू एफ इनटू एबी देयर यू आर एफ इनटू एबी आ गया आंसर एट पॉइंट सी पहले इस फोर्स का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम पॉइंट सी इस फोर्स का डिस्टेंस इसके डिस्टेंस क्या है सी से इट इज एक्टिंग एट पॉइंट ए तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सी कितना है इस फोर्स का डिस्टेंस ए और सी के बीच में कितना है हमारे पास समय की कमी है जल्दी बोलो बोलो डिस्टेंस इज ए सी एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज देखो मैं ऐसे जा रखती हूँ सी के पास पहुंचना है उसको सी के पास ऐसे एंड व्हाट अबाउट इस फोर्स का मोमेंट अबाउट सी इसका डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी फ्रॉम दिस फोर्स इज हाउ मच So BC. And tell me, this clock or anti-clock? ऐसे जा रहा है देखो अब की बार ये ऐसे जाएगा तो clock or anti-clock? Clock or anti-clock? Clockwise you are taking positive or negative? So negative. So that is equal to F into AC minus BC. What is A distance? AC minus distance BC? Distance AC minus distance BC कितना है? सर AB. That is right. That is again F into AB. पहले इतना copy कर लो नहीं तो अपना time नहीं आएगा. इतना copy कर लो खाली. कल test है भूलना नहीं. Everyone have to do proper. कुछ ज्यादा portion होता नहीं है week में इसलिए मैं topic announce नहीं कर रहा हूँ. बाद में जब बहुत lecture होंगे हम लोग कम से कम 6-6 lecture होने चालू होंगे अब बाद में. 2-2 lecture per day. दो लेक्चर मेरे होंगे दो लेक्चर मैथ्स के दो लेक्चर केमिस्ट्री के तब जाके यू नो विल अनाउंस द चैप्टर की हम लोग का इस चैप्टर का टेस्ट है अभी छोटे छोटे लेक्चर हो रहे हैं तो डोंट आस्क फॉर द टॉपिक जल्दी कॉपी कर लो यहाँ तक मैं वापस रिपीट कर दूंगा एक बार कल बट यहाँ पे कॉपी कर लो सो दैट विल सेव टाइम नेक्स्ट टाइम ओके चलो आज कॉपी कर लिया इतना तो मैं बंद करता हूँ यहाँ तक कॉपी किया गया यस नो स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो क्योंकि मैं स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर